बकरी के बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? माँ, इसमें निम्न पॉइंट है जिसके कारण हम बकरी का अच्छे से पालन पोषण कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला, बच्चे को माँ से अलग रखना पड़ेगा, जिसको वीनिंग कहते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसको जो है उसका कैसे देखभाल करते हैं, देखभाल करने के बाद कोलोस्ट्रम पिलाने के बाद, नाड़ा काटने के बाद प्लेसेंटा होता है, उसके बाद हम उसको माँ से अलग कर देते हैं, उस प्रक्रिया को वीनिंग कहते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या होता है कि उसको दूध पिलाना, जो है फीडिंग ऑफ मिल्क, कब और कितना मिल्क पिलाएं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है 1/6 बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको जो है मिल्क फीडिंग हम कराते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि कहीं ओवर फीडिंग ना हो, कि उनको डायरिया हो, एकदम बैलेंस डाइट बॉडी वेट का 1/6 जो है अपन पिलाते हैं। फिर उसके बाद आता है कि उसको जो है डिसबडिंग करते हैं, सींग के बड को जो है अपन केमिकल यूज करते हैं, KOH। डिसबडिंग में हम केमिकल यूज करते हैं KOH स्टिक आती है, उसको जो है हम इसमें 2-4 वीक पे अपन इसको जो है डिसबडिंग करते हैं। तो ये भी, इससे क्या होता है फ़ायदा हमको कि आपस में हम क्लास उसमें ग्रुप में रख सकते हैं, इनको फाइटिंग में इंजरी नहीं होगी सींग के द्वारा। तो ये सारे हमें डिसबडिंग के फ़ायदा हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, तीसरे डिसबडिंग हो गया, फिर हम आते हैं पहचान बनाना। बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको आइडेंटिफिकेशन में, पहचान बनाने में काफ़ी हमको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इससे हमको छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, एक मार्क बना देते हैं, पहचान बना देते हैं, जिससे कि हम पर्टिकुलर उस बच्चे को हम पहचान पाते हैं। तो हम इसमें एक मेथड यूज करते हैं बाय टैटोइंग के द्वारा हम उस बच्चे को, हर प्रत्येक बच्चे को एक अलग अलग पहचान बना देते हैं, जिससे हम उस पर्टिकुलर बच्चे का रिकॉर्ड हम रख पाते हैं। तो उसके बाद फिर हम पाँचवा स्टेप पे आता है कि बधियाकरण, जितने भी नर बकरे होते हैं उनको बधियाकरण कर देते हैं। बधियाकरण करने के लिए हम 2-4 वीक्स पे एज पे जो है हम क्या करते हैं, इनको बधियाकरण करते हैं बर्डियो कैस्टेटर के द्वारा। ये टॉपिक हम डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको अलग से वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है, उसके फ़ायदे क्या होंगे और उसको हम क्यों करते हैं। तो ये टॉपिक मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जाके देख लें। फिर उसके बाद आता है बच्चों को कीड़े की दवा कब और कैसे दें। तो आयु जो है 10 दिन का जब बच्चा होता है तो पहला जो है हम इसको देते हैं बिनमिन टेबलेट आती है, उसको हाफ टेबलेट से हम कराते हैं। फिर उसके बाद जब 1 मंथ का होता है तब हम उसको जो है एल्बेंडाजोल से या पिपराजीन से कराते हैं। और उसके बाद 1.5 मंथ का फिर होता है तो फिर हम बिन मिंथ, जैसे क्लोसेंटल जो है आता है, उसको जो है एक टेबलेट से कराते हैं। फिर उसके बाद 2 मंथ का होता है तो फिर हम पिपराजीन से उसको हम कराते हैं डिवर्मिंग। इस तरह से डिवर्मिंग का पूरा शेड्यूल है, इसको हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि पूरा विस्तृत डिवर्मिंग का और कैसे करते हैं उसको मैं कवर करूँगा। फिर उसके बाद आता है कि फीडिंग ऑफ मिल्क रिप्लेसर। मिल्क रिप्लेसर जो है हम उसको जो है मिल्क जो मदर मिल्क फीडिंग है उससे जो है हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब 15 दिन की एज पे हम मिल्क जो है रिप्लेसर यूज करते हैं। हम इसमें 26% प्रोटीन का उपयोग करते हैं। इससे को देने से क्या होता है कि हमारी लागत कम आती है और जो मिनरल है वो विटामिन को जितनी डिमांड है उतनी फुलफिल हो जाती है, उसको मिल जाती है। तो इस वजह से हम होल मिल्क को छोड़कर, होल मिल्क ना देके हम फीडिंग ऑफ मिल्क रिप्लेसर को देते हैं, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन है, 26% जितना उसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें लागत भी कम आती है तो इकोनॉमिकली भी ये अच्छा होता है। तो अब लास्ट पॉइंट ये है कि स्टार्टर राशन, अब आता है कि स्टार्टर राशन हम दें इसको। तो स्टार्टर राशन देने के लिए कितना DCP है, DCP
18 से 20% जो है हम DCP देते हैं, और TDN 72% का जो है राशन होता है स्टार्टर राशन, उसको हम इसको देते हैं। स्टार्टर राशन की विशेषता ये है कि ये बहुत ही पैलेटेबल होना चाहिए और उसके होता है और इजीली डाइजेस्टेबल हो, ताकि उसको कोई डायरिया ना हो, इनडाइजेशन ना हो, और उसको खाने में अच्छा लगे। तो इस क्वालिटी का होना चाहिए मिल्क रिप्लेसर। तो और उसके बाद इसकी जो है वजन और कितना हम उसको जो है राशन दें जो है स्टार्टर राशन, तो 4 kg का होगा तो 50 ग्राम देंगे, 5 kg का होगा तो हम 100 ग्राम देंगे, और जो है 6 kg का होगा तो 150 ग्राम देंगे, 7 kg का होगा तो 200 ग्राम देंगे, और 8 kg का होगा तो हम 250 ग्राम पर डे के हिसाब से उसको हम देंगे। फिर उसी प्रकार से जब 9 kg का होगा तो 9 kg से 20 kg तक के बच्चे को हम क्या करेंगे, 350 ग्राम पर डे जो है स्टार्टर राशन हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। तो इन सब पॉइंट को देखते हुए, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए, हम बकरी के बच्चे जो किड्स होते हैं इनको अगर पालन पोषण इस अकॉर्डिंग करें तो वजन भी बहुत अच्छा आएगा और बच्चे की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। तो इन सब बातों को देख के आप अगर करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे ज्ञानवर्धक वीडियो। आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।